जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हमारे हिंदी विषय की परीक्षा जो नजदीक आ रही है उस परीक्षा को लगते थोड़े प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे यानी पुनरावर्तन करेंगे। दोस्तों आप सबके पास पेपर स्टाइल तो है, पेपर स्टाइल हमारे कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन वन ए में एक एक वाक्य में उत्तर लिखने, सात प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न का एक मार्क सात मार्क है। प्रश्न वन बी में समानार्थी शब्द लिखने हैं, तीन समानार्थी शब्द तीन मार्क्स। क्वेश्चन दो ए में सविस्तर उत्तर लिखना है, तीन में से किन्हीं दो छह मार्क्स यानी एक प्रश्न का तीन मार्क्स। क्वेश्चन टू बी में मुहावरे के अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग करना है, चार मार्क्स है, दो मुहावरे पूछे जाएंगे, दोनों के आपको अर्थ और वाक्य उसके प्रयोग करने हैं। क्वेश्चन टू सी में विरोधी शब्द लिखने हैं, तीन शब्द तीन मार्क्स। क्वेश्चन टू डी दोहा पूर्ण कीजिए, हमारा जो आठवां यानी आठवीं इकाई है दोहा अष्टक, उसमें से कोई भी एक दोहा आपको पूछा जाएगा, वो दोहा आपको पूरा लिखना है, दो मार्क्स। क्वेश्चन थ्री में दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, पांच प्रश्न लिखने हैं, दस मार्क यानी एक के दो मार्क, ये सभी प्रश्न आपको पाठ में से पूछे जाएंगे। और जो सविस्तर उत्तर लिखने वाला है क्वेश्चन टू ए, वो कविताओं में से पूछा जाएगा, यानी ये आप उसी प्रकार से तैयारी करना है कि जो सविस्तर बड़े क्वेश्चन है वो कविताओं में से दो तीन वाक्यों में लिखने हैं, वह पाठ में से, और क्वेश्चन वन ए है वो सब में से यानी एक से आठ हमारे सब पाठ में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन फोर ए में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, हमने निबंध की नोट में तीन चार विषय आपको लिखवाया है बराबर, उसमें से एक पूछा जाएगा। क्वेश्चन फोर बी में आपको कहानी लिखनी है, आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, उस पॉइंट पर आधार से आपको कहानी लिखकर उसको उचित शीर्षक देना है और उसकी सीख भी लिखनी है। और क्वेश्चन फोर सी में आपको सर्वनाम पहचानने हैं वाक्यों में से। तो ये हो गई हमारी पूरी पेपर स्टाइल, इसी प्रकार से आपको पेपर पूछा जाएगा, पेपर हमारी किताब में से ही आएगा यानी किताब के जो भी हमारे इकाई है पाठ है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो गए, यानी आप उसी प्रकार से तैयारी करना, तैयारी के लिए रेगुलरली रिवीजन वीडियो खास देखना और लाइव क्लास में भी ज्वाइन होना जो रिवीजन के लाइव क्लास है बराबर। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्वेश्चन वन ए वन बी और क्वेश्चन टू ए इन तीन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आप देख रहे हैं कि पीछे बोर्ड पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन वन ए, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सात प्रश्न पूछे जाएंगे सात मार्क, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, उसके सभी के जवाब मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना ध्यान से वीडियो देखना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है, इस क्वेश्चन में से भी आ सकते हैं, इससे बाहर आपकी किताब में उसमें से भी आ सकते हैं बराबर। ये हमारा एक रिवीजन फॉर्म है। पहला क्वेश्चन में हमारा चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो चिड़िया खुशी के गीत बड़े सवेरे गाती है यानी बहुत सवेरे चिड़िया खुशी के गीत गाती है। पूरे इस सेंटेंस में वाक्य लिखा, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया, तो हमारी चौथी इकाई का प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार आएगा कि बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी चलाने से मना किया, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी चलाने से मना किया। तीसरा सवाल है, विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है, विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है, तो उसका जवाब है विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है, विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। चौथा सवाल है, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी, विक्रम साराभाई को गणित और भौतिकी के विषयों में दिलचस्पी थी, खास याद रखना विक्रम साराभाई को गणित और भौतिकी के विषयों में दिलचस्पी थी। आगे पांचवा सवाल हमारा, शेर कहां का
जाता है तो उसका जवाब आएगा शेर जंगल का राजा। आगे छठा सवाल, प्रेम के धागे में गांठ कब बढ़ जाती है? प्रेम के धागे में गांठ कब बढ़ जाती है? हमारी आठवीं इकाई है दोहा अष्टक, उसका सवाल है तो उसका जवाब आएगा कि प्रेम के धागे एक बार टूटने से फिर जुड़ते हैं तब उसमें गांठ बढ़ जाती है। प्रेम के धागे एक बार तोड़ने से फिर जुड़ते हैं तब उसमें गांठ बढ़ जाती है। आगे, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। आगे का प्रश्न, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिताजी का नाम अम्बालाल था। यानी विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम सरला देवी और अम्बालाल था। ओके, नौवां सवाल, फोन को क्या कहलाना पसंद नहीं है? फोन को क्या कहलाना पसंद नहीं है? बहुत इजी जवाब है, फोन को चुगलखोर कहलाना पसंद नहीं है। हम सब कहते हैं कि फोन चुगलखोर है क्योंकि यहाँ की बातें वहां इधर की बातें उधर करता है, लेकिन फोन को चुगलखोर कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दसवां सवाल, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में लीला गुलाब चंपा चमेली सभी फूल एक रूप हुए है। माला में लीला गुलाब चंपा चमेली सभी फूल एक रूप हुए है। आगे का सवाल तुम्हारा नंबर 11, जग में सम्मान कब मिलता है? जग में सम्मान कब मिलता है? उसका जवाब कुछ किस प्रकार होगा कि जब कथनी और करनी एक समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। जब कथनी और करनी एक समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। आगे का सवाल है, राधनपुर कहाँ है? राधनपुर कहाँ है? तो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। आगे का सवाल है, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो हरियाली मैदानों में वनों में और बागों में लहराती है। जवाब उसका, हरियाली मैदानों में वनों में और बागों में लहराती है। चौथा सवाल हमारा, सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है? सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है? तो सुबह खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ निकलती है। सुबह खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ निकलती है। पंद्रहवां सवाल हमारा, बंजारे क्या करते थे? बंजारे क्या करते थे? जवाब उसका इस प्रकार होगा, बंजारे माल सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करते थे। बंजारे एक जगह से दूसरी जगह माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। आगे का सवाल, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो हमारा चौथा पाठ है, चौथी इकाई, उसका ये सवाल है, उसका जवाब इस प्रकार होगा कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। सत्रहवां सवाल, कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है? कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है? तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी सभी नदियां सागर में मिलती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी सभी नदियां सागर में मिलती है। आगे का सवाल हमारा, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहां हुआ था? विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहां हुआ था?
तो इस सवाल का जवाब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारी किताब में और डाइजेस्ट में जवाब अलग-अलग है। जिन बच्चों के पास पुरानी किताब या पुरानी डाइजेस्ट होगी तो उसका जवाब और नई किताब और नई डाइजेस्ट का जवाब कुछ अलग-अलग होगा। तो हमें हमारी किताब को फॉलो करना है, जो नई किताब है उसको ही फॉलो करना है। ये हमारी किताब है नई, आपको नई है किताब, वो कहां से पता चलेगा? तो आप किताब के पीछे का पन्ना देखोगे तो यहां पर 2020 लिखा होगा, बराबर। ये हमारा जो किताब है, किताब का एक फ्रंट पेज है किताब का, फिर उसके पीछे के पेज पर यहां पर 2020 लिखा है, तो आप समझ लेना कि नई किताब है। तो नई किताब में कुछ इस प्रकार उसका जवाब है, देखो पेज नंबर 34 पर लिखा है, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। तो आपको यही जवाब लिखना है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहां हुआ था, तो आपको जवाब यही लिखना है कि विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। डाइजेस्ट में 1916 लिखा हुआ है तो वो नहीं लिखना है। आगे चारपाई को किसकी चीज बताया गया है, चारपाई को किसकी चीज बताया गया है, तो चारपाई को सोने की चीज बताया गया है, बराबर, सोने की चीज बताया गया है। आगे तीसरा सवाल, गरीब की हाय से क्या होता है, गरीब की हाय से क्या होता है, उसका जवाब होगा कि गरीब की हाय से उसे सताने वाले का विनाश होता है, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का विनाश होता है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 1A में एक एक वाक्य में उत्तर लिखने में आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 7 के जवाब लिखने हैं एक एक वाक्य में। इस 20 में से भी आएंगे और इसके अलावा भी आएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से जवाब लिखना, बराबर। आगे हम देखते हैं प्रश्न 1B, समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 1B में है समानार्थी शब्द लिखिए, वो तो बहुत इजी है समानार्थी शब्द, बराबर। आप अपनी जो किताब है उसके सभी पाठ इकाई के जो शब्दार्थ है वह शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, उसमें से ही समानार्थी शब्द निकलते हैं और मैं उसमें से ही पूछूंगा, फिर भी आपको 2-3 शब्द का रिवीजन करवा देता हूं। समानार्थी शब्द अंतर, उदाहरण हम लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं अंतर, चलिए हम ले मंजिल, फिर है परिश्रम, अंतर मंजिल परिश्रम, आगे लिखता हूं मिश्री, फिर है इरादा और छठा शब्द है मोल। तो ये हो गए कुछ हमारे समानार्थी शब्द। अंतर का समानार्थी होगा हृदय, अंतर यानी हृदय, दिल, मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय, मंजिल यानी लक्ष्य ध्येय, परिश्रम यानी मेहनत, परिश्रम यानी मेहनत, मिश्री यानी चीनी, इंग्लिश में हम कहते हैं शुगर, गुजराती में खांड, उसे हिंदी में मिश्री कहते हैं चीनी, इरादा, इरादा यानी इच्छा विचार, और मोल यानी कीमत,
तो ये हमारे कुछ समानार्थी शब्द है, ये या उसके अलावा भी कुछ और शब्द आपको पूछे जाएंगे। यहां पर मैं कुछ और शब्द भी आपको सुनाता हूं, या ओके मंजिल, तो लक्ष्य मैंने यहां पर लिखा है बराबर, लक्ष्य ध्येय। दूसरा है चाम, तो चाम यानी चमड़ा, आठवीं इकाई में है, मुंह ये टोर के चाम से जो वापस हो जाए तो चाम यानी चमड़ा। निराला यानी अनोखा, निराला का समानार्थी है अनोखा। तरुवर यानी वृक्ष, तरुवर फल नहीं खाते है ऐसा कुछ है, तरुवर यानी वृक्ष। इरादा यानी निश्चय, विचार, दूसरा निश्चय भी होता है उसका। फिर है तराना यानी गीत, भस्म यानी राख, सूप यानी अनाज साफ करने का एक साधन, उपाधि यानी पदवी, उपाधि यानी पदवी। फिर है कुछ शब्द यहां पर, एक मिनट है, यस, कुछ ऐसे शब्द है यहां पर कि सज्जन तो यानी भला आदमी, बस्ती यानी नगर, अंतर यानी भेद फर्क। देखो ये अंतर यानी हृदय, दूसरा अंतर है यानी भेद परक, बराबर। तो आपको अगर ये सवाल पूछा जाए अंतर, तो आपको उसका जवाब अंतर यानी हृदय दिल ऐसा करके लिखना है, और काउंस में ब्रैकेट में आपको उसका कर देना है भेद फर्क, बराबर। ज्यादातर आंसर आप इस प्रकार उसके चारों जवाब लिख देना, अंतर यानी भेद फर्क और अंतर यानी हृदय दिल, ओके। किराया यानी भाड़ा, तो इस प्रकार के हमारे समानार्थी शब्द हो गए। प्रश्न एक दिन में तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको तीन के जवाब लिखने हैं, उसके तीन मार्क्स है, बराबर। आगे हम देखते हैं प्रश्न दो के सविस्तर उत्तर लिखिए। प्रश्न दो के प्रश्न दो ए सविस्तर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न में आपको तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, तीन में से आपको दो के जवाब लिखने हैं, एक सही जवाब का दो तीन मार्क्स यानी तीन के छह मार्क्स, बराबर। और ये पूरे जो भी प्रश्न है सविस्तर उत्तर लिखेंगे, ये सभी प्रश्न आपको कविताओं में से ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप सविस्तर उत्तर के जो भी प्रश्न याद करें वो कविताओं में से ही करिएगा। दूसरी कविता है हमारी तबीयत तुम्हारी आती है, फिर पांचवी कविता है इन देश के निवासी, और आठवीं कविता है दुआ पुस्तक। तो इन तीनों में से ही सविस्तर उत्तर के प्रश्न आएंगे, इन तीनों को ही याद करना है, पाठ नहीं करना है, बराबर। यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, तो उसके उत्तर मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो उसका उत्तर आपको सविस्तर लिखना है, यानी चार से पांच पंक्ति में, चार से पांच पंक्ति में उसका लाइन में उत्तर लिखना है। तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो कि वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की सुबह बढ़ जाती है, पत्ते भी हरे हरे हो जाते हैं, और इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, चारों ओर बस हरे रंग की चादर बिछाई हो ऐसा दृश्य खड़ा हो जाता है, इस प्रकार पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। दूसरा प्रश्न है हरियाली कहां कहां लहराती है, हरियाली कहां कहां लहराती है, लहराती है यानी छाई हुई होती है। तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें उगती है और फसलें लहराती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली
छा उठती है और हरियाली की बहार हो जाती है, सूखे पर्वत भी हरे हो जाते हैं और इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। जब सुबह होती है तो प्रकृति में कैसे कैसे बदलाव आ जाते हैं। रात के अंधेरे से जब सूरज निकलता है तो कैसा बदलाव आता है, तो उसका जवाब भी इस प्रकार होगा कि सुबह होने पर सभी तारे फिर से आकाश में छुप जाते हैं। सुबह होने पर सभी तारे आकाश में छुप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूरज की किरणें धरती पर आने लगती है और सूरज की लाली धरती पर छा जाती है, पंछी अपने आवाज में चहचहाने लगते हैं, अपने आवाज में गीत गाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, कलियों में से फूल बनना शुरू हो जाता है, फूलों की सुगंध हवा में फैल जाती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति फिर से जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का जवाब। चौथा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, तो ये प्रश्न है हमारा पांचवी कविता का, हिंद देश के निवासी। तो नदियों से क्या संदेश मिलता है हमें, उसका जवाब कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के उद्गम भी अलग अलग है, यानी सभी नदियों के उद्गम स्थान पर्वत ही है लेकिन अलग अलग पर्वतों से नदियों का जन्म हुआ है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है। सभी नदियां एक मार्ग से नहीं बहती, अलग अलग मार्ग से बहती है, लेकिन सभी नदियां अंत में तो सागर में ही मिल जाती है और सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर अंत में सभी नदियां सागर में समा जाती है और सागर में एक हो जाती है, इस तरह हम भारतवासी भी अलग अलग होने पर भी एक ही है। बराबर, लास्ट में तो हम सब भारतवासी एक ही है, इसलिए हम सब इंडियन के नाम से जाने जाते हैं, भारतवासी भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। पांचवा सवाल, हिंदवासियों में कैसी कैसी विविधताएं हैं। हिंदवासी यानी हम सब, तो हम सब में कैसे कैसे विविधताएं हैं। बराबर, तो हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के है, यानी उनमें रंग रूप की विविधताएं है, अलग अलग पहनावे पहनते हैं यानी उनमें पहनावे की विविधताएं है, अलग अलग भाषा बोलते हैं यानी उनमें भाषा बोलने की विविधताएं है, अलग अलग धर्म में मानते हैं यानी धर्म में भी विविधताएं है। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है, अनेक प्रकार की यानी धार्मिक विविधताएं है, भाषा की विविधता है, पहनावों की विविधता है, रीति रिवाज की विविधताएं है, त्योहारों की विविधता है, ये सब विविधताएं भारत के हिंदवासियों में। छठा सवाल, हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है। हम सब कहते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय वासी मेरे भाई बहन है, तो हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है। बराबर, तो हमारे देश में रंग रूप वेश भाषा पहनाव रीति रिवाज धर्म सभी अनेक है, सभी में विविधताएं है, तरह तरह के फूल जिस तरह माला में गूंथने पर माला एक बन जाती है, उसी प्रकार भारत के सभी लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के अलग अलग भाषा बोलते लोग भारत में रहने पर वो भारतीय बन गए हैं। कवि आगे उदाहरण देते हैं कि कोयल पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक है, भले हमें वो समझ में नहीं आता लेकिन वो सब गाते हैं एक ही राग में। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी कावेरी कृष्णा आदि नदियां अलग अलग होने पर भी सब सागर में मिल जाती है और एक हो जाती है। बराबर, इसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता की माला में बांध दिया है
और हमारी राष्ट्रीयता की भावना में भी एकता है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन है। यानी हमें बहुत सारी विविधताएं हैं, रंग रूप वेश भाषा धर्म, लेकिन अंत में हम सब एक ही है, यानी विविधता में एकता है। आगे साधु कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, हमारी आठवीं कविता है दोहा अष्टक, उसका यह सवाल लिया गया है। साधु कैसा होना चाहिए, तो कवि कहते हैं कि साधु सूप जैसा होना चाहिए। सूप हमने देखा है ना, सुकड़ू, गुजराती में कहते सुकड़ू, सूप जैसा साधु होना चाहिए, क्योंकि सूप फटकते समय उसमें जो अच्छे अच्छे अनाज के दाने होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और कचरा जो होता है वो आगे निकल आता है। यानी सूप अच्छे दानों को पीछे ले जाता है और कचरे को आगे बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारी वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु जो निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, वैसी वस्तु छोड़ देनी चाहिए। यानी साधु सूप जैसा होना चाहिए। आगे रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को मत तोड़, तो क्यों मना करते हैं। तो कवि कहते हैं रहीम जी कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक है, वो ज्यादा खींचने से टूट जाता है। यानी प्रेम का धागा बहुत नाजुक है, इसे ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, ज्यादा खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूटने से फिर वो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसा संबंध नहीं रहता, पहले जैसे संबंध की जो मिठास होती है, मधुरता होती है, वो भी नहीं रहती। इसलिए रहीम जी प्रेम के धागे को न तोड़ने की सीख देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे नौवा सवाल, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। कबीर जी लालच को क्यों बुरी कहते हैं, कबीर कहते हैं लालच बुरी बला है, क्यों बुरी कहते हैं। तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देती है। हमें जब लालच आता है तब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हमारा विवेक विनय भी नष्ट हो जाता है। मक्खी का उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि मक्खी लालच के कारण गुड़ में, गुड़ पर बैठती है और फिर उसमें फंस जाती है। गुड़ जैसे पिघलता है तो मक्खी उसमें फंस जाती है, चिकनी हो जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती, लाख कोशिश करती है फिर भी उसमें से वह निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति एक बार लालच में पड़ जाता है वह अंत में पछताता ही है, क्योंकि एक बार लालच में पड़ने पर व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता और पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह पाता। इसलिए कवि कबीर कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आगे तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रखने के लिए क्यों कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग, नदी और नाव का उदाहरण देते, तो क्यों कहते हैं कि सबसे हिलमिल रखिए। तो हिलमिल कर रखने से आपस में प्रेम बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है। हम सब एक साथ एकजुट कर एक घर में रहते हैं तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति हमारी जो लगाव है वह भी बढ़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हिलमिल कर रखने से प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, किसी से दुश्मनावट नहीं होती, किसी से वैर नहीं होता, विरोध भी नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हिलमिल कर रखते हैं, काम में हाथ बटाते हैं और काम जल्दी हो जाता है। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव का उदाहरण देते हैं और उनके संयोग की, संयोग यानी उनके जो संबंध है उसकी बात करते हैं और सबसे हिलमिल कर रखने के लिए हमें कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा प्रश्न एक ए और एक बी, वन ए बी यहाँ पर पूरा होता है, प्रश्न दो ए सविस्तर उत्तर लिखे हैं कि हमने सभी सवालों के अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया है, पुनरावर्तन कर लिया है। आपको कविताओं में से ही सवाल पूछे जाएंगे, इस प्रकार के ही सवाल होंगे, इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से घर पर पढ़ना और ये सभी सवाल मैं वर्कशीट में भेजता हूँ, आप उसके आंसर लिखकर मुझे सेंड करना, ओके। और दूसरे वीडियो के साथ हम दूसरे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, तब तक ये पढ़ते रहिए।